हेलो, कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ अभी। आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आज मैं एक बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो क्या हुआ ना कि जैसे 6 महीने 5 महीने हो गए मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाले थे, मेरे कोई पेमेंट नहीं आया था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे गूगल एडसेंस में। और मैंने जो डिटेल सब डाल रखी थी, पापा की डिटेल थी, बैंक अकाउंट सब सब पापा की, गूगल एडसेंस पापा के नाम से बना रखा था मैंने। तो क्या हुआ, पापा ने जो बैंक अकाउंट खुलवाया था SBI में, उसमें बैंक वालों ने उनके वो आधार कार्ड और सब KYC नहीं किया, ऐसे ही खोल दिया। ये बात पापा को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि KYC किए ही नहीं है। और KYC करने के नहीं किए तो 1 साल के अंदर वो बंद हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले मतलब ऐसे हुआ था कि बैंक अकाउंट बंद हो गया, और मैंने जब अभी वापस सब कुछ ओपन किया तब मेरे गूगल एडसेंस में आ रखा है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, उसको एक्टिवेट कीजिए। अब मैं क्या करूँ, बैंक अकाउंट भी बंद, गूगल एडसेंस भी। इतना टेंशन हुआ मुझे, इतना टेंशन हुआ कोई हद नहीं रही। क्या करूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने बनाया है चैनल, पहले भी बनाया था, वो मोनेटाइज ही नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम मैं ठीक से वीडियो नहीं डाल पाई। और अब भी मैंने अगर वीडियो छोड़े थे बीच में तो वो बहुत बहुत ज़रूरी था, यूट्यूब से भी ज़्यादा मेरे लिए वो पढ़ाई थी, मेरे लिए वो स्टेनो की कोचिंग थी, जो मैं सुबह 6 बजे उठ के लगती थी, दोपहर के 3 बजे मैं खाना खा पाती थी, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने छोड़े थे। अभी गूगल ये यूट्यूब मैंने वापस स्टार्ट कर लिए, तो ऐसे मतलब पैसे ही नहीं आएंगे, कुछ ही नहीं। तो मतलब एक तो फिर मैंने मेरे जो पहले सब पापा का था, तो फिर ऐसे है कि अब पापा खेत में काम कर रहे हैं, और तो उनको बार बार ऐसे कुछ भी हो परेशान नहीं कर सकते। तो मेरे ऐसे हुआ कि मैं अपना अकाउंट ऐड करूँगी उसमें। मैं यूट्यूब पे छानबीन करने लगी। सबसे पहले तो मैंने गांव में थी तब पहले बैंक में जाके पता किया कि पापा का अकाउंट वापस ओपन हो सकता है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो वाला वापस ओपन नहीं हो सकता। तो मैंने बोला छोड़ो, अब मेरा ही करना है। तो मेरे अकाउंट में पैन कार्ड ऐड नहीं था, फिर मैंने वो ऐड करवाया। आधार कार्ड में मतलब और था एड्रेस, और बैंक में और था। तो मैंने बैंक और आधार का सेम टू सेम करने के लिए उनको बोला, उन्होंने नहीं किया। मुझे एड्रेस चाहिए था, बीकानेर है मेरा गांव, डिस्ट्रिक्ट सब बीकानेर आता है, बीकानेर में उन्होंने चूरू कर दिया। इसीलिए मैं अब 2-3 दिन से बैंक जा रही हूँ, बैंक जा रही हूँ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब क्या करूँ, भाई जी भी घर पे नहीं, श्यामा भी घर पे नहीं, पापा भी खेत में काम कर रहे हैं, किसको बोलूँ? फिर मेरी फ्रेंड है गांव में, उसके मामा वगैरह रहते हैं तो बैंक के पास ही, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने करवाया है आज, बहुत अच्छे हैं वो, तो उन्होंने आज मेरा बैंक में जाके काम करवाया। फिर भी उन्होंने 2-3 बार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मिस्टेक वो मिस्टेक, कभी तो बीकानेर के आगे डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी स्पेलिंग लिख दी कि डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। अरे हद हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि आधार में है वैसा का वैसा कॉपी कर दो, आप कुछ भी अपना दिमाग मत लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा आधार में है वैसा का वैसा कर दो। तो फिर उन्होंने वैसा का वैसा कर दिया। अभी जयपुर आने के बाद में मैं वापस जा नहीं सकती थी। मैंने यूट्यूब पे इतने वीडियो देखे कि कैसे करूं, मुझे मेरे सवालों के जवाब यूट्यूब पे नहीं मिले, क्योंकि मेरे मन में सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। डायरेक्ट ये जवाब कोई नहीं दे रहा था कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। तो फिर मैंने श्यामा से पूछा, तो उसने बताया कि हाँ, पे नेम चेंज करना मैनेज। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाए, एक बैंक अकाउंट बंद हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है, वो भी किसी और पर्सन के नाम से, जैसे मेरा और पापा का आधार में सेम एड्रेस है, और उसी एड्रेस पे बैंक में दोनों के सेम एड्रेस थे, तो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं अपनी फ्रेंड का डाल दूं, ऐसे नहीं कर सकते। एक ही फैमिली का अकाउंट हम दूसरे का डाल सकते हैं क्योंकि एड्रेस सेम है। तो अगर हमारा एक ही घर का एड्रेस है
और उसमें से मान लो कि श्यामा का डालती मैं तो भी ऐड कर सकती हूँ, मेरा डाल सकती हूँ। तो वहाँ पे पेई नेम होता है, वो नेम चेंज करना है और बैंक अकाउंट चेंज करना है, सिर्फ दो चीज़ें चेंज करनी है। मेरे सवाल थे क्या पैन कार्ड और सब चेंज करने पड़ेंगे, क्या पूरा एडसेंस चेंज करना पड़ेगा, क्या करूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि गूगल एडसेंस ऐसा है कि मतलब छोटा सा ऐसा हो गया ना तो पूरा रिजेक्ट कर देता है, मोनेटाइज तक बंद कर देता है। तो फिर वो बहुत ही ऐसे टेंशन वाला काम हो रहा था। फिर मैंने अभी किया है मतलब एडसेंस में सब कुछ चेंज, तो अभी पता नहीं अकाउंट में पैसे आएंगे तभी पता चलेगा, और अभी कब आएंगे वो पता नहीं है क्योंकि इतना मेरा चैनल डाउन जा चुका है तो वापस होने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कर सकते हो ऐसे अपने फैमिली मेम्बर के अकाउंट लगा सकते हो, सिर्फ पे ही नेम और मैनेज अकाउंट में जाके बैंक अकाउंट चेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर ये सब सही हो गया तो। और आप प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम कम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।